हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूं, तो आज फिर यहां पर मैं चेस क्वीन अक्वा पेट्स में बहुत दिनों बाद यहां पर अपडेट दे रहे हैं। बहुत सारे न्यू स्टॉक आया है, तो यहां पर बर्ड्स और फिशेस आज कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हर महीना मैं यहां पर हर एक महीने दो महीने में अपडेट देता रहता हूं कि कौन सी फिशेस नई स्टॉक आई है, ताकि लोकल एरिया वालों को और बाहर वालों को भी अपडेट मिलता रहे। इससे आप परचेज भी कर सकते हो और लोकल जो लोग हैं उनको अपडेट मालूम होता रहेगा। तो आज हम अपडेट देने वाले हैं चेस क्वीन अक्वा पेट्स पे। बर्ड्स बहुत सारे आए हुए हैं, बर्जिस है, लो बर्ड्स है, इस तरह की बहुत सारे बर्ड्स हैं, कन्यूर हैं और कॉकटेल्स हैं, और फिशेज भी बहुत सारे बेटा फिशेज स्पेशली फ्लोहान भी आए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम कवर करेंगे। तो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं चेस क्वीन अक्वा पेट्स, जो बनशंकरी थर्ड स्टेज में है, जिसे कतरी गुप्पा भी कहते हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें तो बनशंकरी थर्ड स्टेज बैंगलोर के अंदर अवेलेबल है। तो हम लोग स्टोर के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो हमारे साथ स्टोर ओनर गांधी सर है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? बहुत दिन बाद अपडेट आ रहे हैं। क्या है आज का माहौल, कैसा है बेंगलोर का? अभी तो बहुत बारिश हो रहा है, चेन्नई इफेक्ट पता है ना आपको। हाँ। थोड़ा ज़्यादा बारिश, बाहर आने के लिए लोग सोच रहे हैं। फिर भी हमारा नया स्टॉक आया है, बहुत दिन के बाद टेट्रास इम्पोर्ट हुए हैं। सो वी हैव अभी 15 वेराइटीज़ ऑफ टेट्रास हैं। पहले तो नहीं था, बहुत दिन तक टेट्रास का स्टॉक ही नहीं था। जो प्लांटेड टैंक हम जनरली हम ज़्यादा प्लांटेड टैंक ही देते हैं, तो हमारा कस्टमर्स को मछलियाँ नहीं थे, अभी आ गए तो आपको बुला लिया दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कौन सी फिशेस है वहाँ से आप अपडेट दे रहे हो, प्राइजेस के साथ हम जानेंगे। हाँ, टेट्रास तो देखिए, नियॉन टेट्रास है, ये सब जनरली आप सब जगह दिखा चुके हो। और ये जानी सोनी बार, फिर तो इधर एक ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर, और वो वाइट जो दिख रहा है वो क्रिस्टिला है, और ब्लैक नियॉन है स्टैक में। टेट्रास क्या प्राइस है अभी? तो टेट्रास आपको 90 से स्टार्ट होता है, 180 तक है। ज़्यादा वेराइटीज हैं, इसीलिए एक का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, तो वीडियो लेती ना हो जाए। तो 90 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, आपको 180 रुपीज़ तक है। और सयाम अलिगेटर्स, गोल्डन अलिगेटर्स भी है ह्यूज स्टॉक पे। और इधर देख सकते हैं कार्डिनल टेट्रा, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट टेट्रा है ये कार्डिनल टेट्रा, और मिनो टेट्रास है, चेरी है, और ब्लड फिन टेट्रा, और सयाम अलिगेटर्स तो है। ये सयाम अलिगेटर क्या प्राइस है फिर? सयाम अलिगेटर ईच आपको 120 पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मिनी टेट्रास भी है इसके अंदर। ये फिशेस को जो है विदाउट हीटर विदाउट फिल्टर भी रख सकते हो, अगर आप विदाउट ऑक्सीजन भी रखते तब भी ये फिशेस सर्वाइव कर जाएगी। बहुत हार्डी फिशेस होती है, मिनियस माउंटेन मिनियस भी बोलते हैं, मिनियस टेट्रास भी बोलते हैं इसको। और प्लांट्स क्या प्राइस है पर पोर्ट का? प्लांट्स अभी बहुत कम स्टॉक है, नया स्टॉक आने वाला है। लास्ट टाइम हम दिखाए थे ना, वो 150 पेयर में, सॉरी 150 पर पॉट लास्ट टाइम दिए थे, वो प्लांट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, आएगा एक 10-15 दिन में आ रहा है। और ये जो आपके पास यहाँ पर लोटस प्लांट है ना, ये जो यहाँ पर है, हाँ, ये आपको 80 रुपीस पड़ेगा पर पीस। ये पॉन्ड के लिए, घर के अंदर टैंक्स हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे लगता है। इस तरह के प्लांट बहुत कम मिलते हैं, लोटस प्लांट ही बोलते हैं इसको। हाँ, लेट्यूस बोलते हैं, लोटस जैसे दिखते हैं तो लोटस बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है पॉन्ड्स के लिए, अगर आपके पास पॉन्ड्स है तो उसके लिए इस तरह के डेकोरेशन है, उसके लिए बहुत बेस्ट प्लांट्स हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सीडलेट्स भी हैं, सीडलेट्स वैरायटी में बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है, वो हम कवर करेंगे। तो सीडलेट में मेरे पास अभी 10 वैरायटी, 10 प्लस वैरायटीज़ है। सो बाई कलर, पिकॉक, ब्लू पिकॉक, और बनाना, इलेक्ट्रिक ब्लू, इलेक्ट्रिक येल्लो, और स्ट्रॉबेरी है, नीचे टैंक पे भी आई है, ब्लू जहानी है, हॉस्पेस है, सो ऑरेंज मॉक है, अल्बिनो है। स्टार्टिंग पेयर कितना है सिकलेट्स का? सर, सिकलेट्स अभी 250 पेयर चल रहा है, आई मीन वैरायटी के हिसाब से हो रहा है, 250 पेयर पड़ेगा आपको, जो अच्छा वैरायटी है। नॉर्मल बेसिक वैरायटीज कम पड़ेंगे। और पैरेट फिशेस? पैरेट ये सिंगापुर का पैरेट है, ए ग्रेड पैरेट, आपको 1000 रुपीज़ पेयर पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर फ्लोहांस भी हैं, फ्लोहांस बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है। तो अभी आपके पास कौन से फ्लावर्स हैं अभी? सर, एसआरडीस है, टाइसिल है, केएमएल है। तो ये तो जनरल स्टॉक अपडेट देते रहते हो। ये देखिए, इस बार थोड़ा छोटा साइज का फ्लावर, पूरा
बड़ा फ्लोरेंस तो आप दिखाते रहते हैं, अपडेट देते रहती हैं। ये छोटा साइज फ्लोरेंस है जो हेड पॉप हुए है, ये सब थाईलैंड से आया हुआ। कस्टमर्स को हम 1200 में दे रहे हैं। इसका हेड बड़ा होता है क्या आगे जाके? हाँ, जो रेगुलरली बड़ा फ्लोरेंस जो देखते हैं आप, हाँ, वैसा ही रहेगा। अगर अगर हेड नहीं आया आपको, रिजल्ट नहीं आया, क्वालिटी हाँ, नहीं है समझ रहे, तो आप हमारे पास लेकर आए, हम एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा, इसमें गारंटी है? क्वालिटी का गारंटी है, वारंटी गारंटी दे देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको हेड दिख रहा है वो थोड़ा। तो ये नया स्टॉक है, पूरा इंपोर्टेड है क्या ये? हाँ, पूरा इंपोर्टेड है सर, थाईलैंड से आए हुए फ्लोरेंस है, सबका हेड गारंटेड। आपका कस्टमर्स को थोड़ा डिस्काउंट भी दे देते हैं। और ये देखिए, ये गार है, तो ये बाराकोड़ा बोलते हैं इसको, इवर गार भी है जो अलीगेटर गार की तरह ही होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी रहती है। अगर आप अलीगेटर गार रखना चाहते हैं तो इस तरह की फिशेस रह सकते हैं। तो ये कितना कॉस्ट है अभी ये? सर ये आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा एक। हाँ, तो काफ़ी खूबसूरत फिश है ये, देख सकते हैं। और ये गोल्डन कलर में आती है, अगर ये बड़ी होती है तो थोड़ा बहुत गोल्डन कलर आता है इसके अंदर। अलीगेटर गार की तरह ही होती है, इवर गार बोलते हैं और इसको बाराकोडा भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कंपेयर टू अलीगेटर गार। अगर आप अलीगेटर रखना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, बाद में जाकर आपको दिक्कत होती है। तो इस तरह की आप फिशेस रखते हैं तो बड़ी भी नहीं होगी और आपको फ्रेंडली भी रहेगी। तो अभी यहाँ पर अरोनास है, ये कौन सी अरोनास है सर? ये सिल्वर अरोना इम्पोर्टेड है, थोड़ा हाई बैग जैसा लग रही है ना ये? हाँ, इम्पोर्टेड में क्या आता है आपको गोल्डन शेड से आता है। हाँ, जो यही थोड़े लोग पूछते हैं, आप बोलते हो इम्पोर्टेड और थोड़े जगह कम प्राइस है, आपके जगह प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, क्या फ़र्क है? आप बोलते हो इम्पोर्टेड, कैसे पता चलेगा ये इम्पोर्टेड? सिंपल सर, ये बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा लाइट से गोल्डन शेड आएगा। अभी इसका टेल में देख सकते हो आप, ऑरेंज टेल, ऑरेंज रहेगा तो आपको लोकल है, समझिए इंडिया ब्रीड है। जो इंपोर्ट आते हैं उनको आप गोल्डन शेड देख सकते हो टेल के पास, थोड़ा बड़ा होंगे तो आपको गोल्डन शेड में ही दिखेगा ये। अभी ये कितना कॉस्ट है इसका? ये आपको 1600 पड़ेगा 6 इंचेस। तो काफ़ी अच्छा प्राइस है क्योंकि इंपोर्टेड है, और वैसे भी नॉर्मली आपको इस साइज़ में इंडिया जो ब्रीड होती है 1200-1400 तक मिलती है, वही प्राइस में आप थोड़ा बहुत आपको इंपोर्टेड प्राइस में आपको इंपोर्टेड अरोना मिल रही है। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल एलिगेटर चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, स्पॉटेड एलिगेटर कार है ये, 8 इंचेस का है, आपको ये 2500 में मिलेगा। जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कलर वीडियो डेट्रास, ये सारा इम्पोर्टेड आता है, इधर लोकल का नहीं है, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इसको कलर डालते हैं एक्चुअली, बाई बर्थ इसको नहीं रहेगा, नॉर्मल वीडियो को एक कलर डाल के देते हैं एक्चुअली। सो आपको ग्रीन 250 में है, येलो 350 में है, और रेड है, रेड और पिंक है वो। ये कलर फेड होगा या रहेगा ये? नहीं नहीं, कलर रहेगा, मरने के बाद आपको ये कलर फेड होगा, लेकिन जब जिंदा रहते हैं इसका कलर फेड नहीं होता है, वैसे ही बड़ा होता है, कलर स्टे रहता है। तो यहाँ पर लॉबस्टर्स भी हैं, रेड कलर में हैं और वाइट लॉबस्टर्स हैं। तो ये 350 रुपीज़ में सिंगल आपको मिल जाएगा लॉबस्टर्स, यहाँ पर दो कलर में अवेलेबल है, वाइट है और रेड कलर है। और ऑस्कर्स हैं, अगर मीडियम साइज़ के ऑस्कर चाहिए आपको तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, चेस्क्विन अक्वा पेट्स बेंगलोर बनशंकरी के अंदर। ये ऑस्कर्स आपको जो देख रहे हो ब्लड रेड कलर का है, इम्पोर्टेड ऑस्कर्स है, बहुत अच्छा क्वालिटी के है, अब देखने से ही आपको पता चल रहा है ना सर क्वालिटी है। तो इधर देखिए नीचे ऑल्बिनो ऑस्कर्स हैं, ऑल्बिनो टाइगर ऑस्कर्स। तो प्राइजेस दोनों का सर आपको इधर ऊपर जो है लेमन ऑस्कर और रेड ऑस्कर्स है, लेमन ऑस्कर आपको 750 पेयर पड़ेगा, और जो ये है रेड ऑस्कर्स ये आपको 900 पड़ेगा, और नीचे जो टाइगर ऑस्कर्स ऑल्बिनो टाइगर ऑस्कर्स है वो आपको 800 पेयर पड़ेगा। इम्पोर्टेड है, लोकल स्टॉक, जो थोड़े लोग बोलते हैं बड़े साइज ही मिल जाते हैं इस प्राइस को, उनको उनको दिखाने के लिए ही हम रखे हैं। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज है, उससे कंपेयर करेंगे तो ये 900 रुपीज़ में पड़ेगा आपको। ये इंडियन ब्रीड है। हाँ, क्वालिटी डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो और यहाँ पर बेटा फिशेस भी हैं, बेटा फिशेस जो इम्पोर्टेड सेल करते हैं चेस्क्विन अक्वा पेट्स में, जो भी बेटा फिशेस मिलती है पूरी इम्पोर्टेड होती है, आप देख सकते। तो अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है अभी फिलहाल आपके स्टॉक? क्या है थाईलैंड में बहुत कोल्ड क्लाइमेट चल रहा है अभी, तो बेटा का स्टॉक ज़्यादा नहीं मिलता है।
मिलेगा, लेकिन बहुत कॉस्ट ज़्यादा रहेगा और गारंटी भी नहीं रहेगा बाय द टाइम हमें मिलेगा तो हेल्थी मिलेगा या नहीं। सो इस सीज़न हम थोड़ा स्टेप बैक, ज़्यादा मंगाते नहीं है। जनरली आप हमारा पुराना वीडियोस में देखेंगे तो 200-300 इतने सारे बेटर्स दिखाए आप, इस बार बहुत कम मंगाया क्योंकि बिजनेस ज़्यादा रहते हैं उस साइड से, हम मंगाएंगे तो रिस्क ज़्यादा है। दिसंबर तक अच्छा स्टॉक आ जाएगा। अभी देखिए हाफ मून्स है, हाफ मून्स और थोड़े बहुत फैंसीज हैं, फैंसी बिटास और क्राउन टेल है, वाइट क्राउन टेल और रेड क्राउन टेल। बेटा फेस वैसे स्टार्टिंग कितने में स्टार्ट होता है आपके पास? सर अभी बेटा हम 250 में ही दे रहे हैं, प्राइस भी एक्चुअली अभी प्राइस ज़्यादा में देना है लेकिन प्राइस कम में ही दे रहे हैं, 250 में ही दे रहे हैं, लेकिन कोई कस्टमर हमारे पास ही फूड लेना पड़ता है, बस 250 में ही दे रहे हैं बेटा। तो इम्पोर्टेड बेटा है 250 रुपीस में आपको मिल रही है। और फीमेल भी हैं आपके पास अभी? फीमेल नहीं है सर, फीमेल एक दो पीस मिल सकती है, वो भी ओल्ड स्टॉक है, इम्पोर्ट वही ज़्यादा इस बार इम्पोर्ट नहीं करवाया। तो और प्लैनेट टैंक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, प्लैनेट टैंक की अगर आप एक्वास्केपिंग के लिए चाहिए, प्लैनेट टैंक पूरा सेटअप मिल जाता है इस तरह के, देखिए यहाँ पर सेटअप बनाया है इन्होंने, ये डेमो है, इस तरह की चाहिए तो आप बनाकर ये आपको दे देंगे, पूरा सेटअप मिल जाएगा और आपको बोलकर भी बनवा सकते हैं कि इस टैंक साइज का जो आपको प्लैनेट टैंक चाहिए, छोटे से बड़े सब मिल जाएंगे। और रेडी टैंक्स भी मिलेंगे जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, नए टैंक्स हैं विद कैबिनेट, विदाउट कैबिनेट वो भी मिल जाते हैं। और बर्ड्स भी हाँ, बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स कॉल करेंगे, कॉकटेल्स हैं, हैंड टेम्ड है क्या बर्ड्स आपके पास पूरे? सर जो भी बर्ड्स हम सेल करते हैं हैंड टेम्ड करते हैं, ये हैंड फीडिंग कर रहे हैं अभी, और भी थोड़ा दिन लगेगा, ये आराम से पूरा अच्छे से फ्लाई करना वो सब सीख लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बच्चा है ये। अभी कितने मंथ का है ये? ये अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ 15 डेज, 1 मंथ 20 डेज इस एज का है। अच्छा, अभी इसका कॉस्ट कितना होता है अभी? सर अभी ये रेडी होने के बाद ही सेल करते हैं। कॉकटेल्स इस साइज का आपको रूटीन और 3,500 पड़ रहा है। सिंगल और पेयर? सिंगल सिंगल, वाइल्ड आपको पेयर उस रेट में, वाइल्ड आपको 3,500 में मिल जाएगा पेयर, लेकिन ये टेम्ड है इसका फूड कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ जाएगा, इसको हैंड फीडिंग करते हैं उधर देख सकते हैं उसी रेंज, हाँ और फूड भी उधर है, हैंड फीड करते हैं इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा लगता है, उसका ही हमारे कॉस्ट। तो और यहाँ पर कन्यूर्स भी हैं? हाँ, ये सिनेमन कन्यूर्स, ब्लू कॉर्न्यूर्स है, और नीचे आएंगे तो पाइनएप्पल कॉर्न्यूर्स भी हैं, पाइनएप्पल अभी अभी नहाए हैं, बर्ड्स खुद नहा लेते हैं आप देख सकते हो, सारे वेट है, सब नहाए हैं अभी, अभी पूरा वेट है, बर्ड अभी अभी नहाया है, खाना खिला के रखा है। तो ये अडल्ट है और ये अभी अभी हैंड फीडिंग बच्चा है, सब टेंड है ये, अभी सेल्फ स्टार्टिंग स्टार्ट किया है, फिर भी हम हैंड फीडिंग फॉर्म में देते रहते हैं। अभी ये कन्यूस के कितना कॉस्ट है अभी इसका? सर ये पाइनएप्पल आपको 9,000 में पड़ेगा टेंड, और सिनेमन कन्यूर? सिनेमन आपको 10 में पड़ेगा। लास्ट टाइम जो सेल किए थे कस्टमर बहुत हैप्पी थे, लास्ट टाइम आपकी वीडियो में आपको शायद याद नहीं, आप ब्लू कॉर्नियर दिखाए थे लास्ट टाइम भी, पाइनएप्पल दिखाए थे, जो भी कस्टमर ले रहे हैं वो बहुत खुशी है, फैमिली मेंबर जैसा बन जा रहा है ये बर्ड्स उनको। अच्छा, कन्यूर को सिंगल रख सकते हैं ना, पेयर की जरूरत नहीं है? जो भी टेम्ड बर्ड्स है हर सब टेम्ड बर्ड्स हमारे साथ अटैचमेंट रखते हैं, उनको हम पेरेंट्स हैं, ह्यूमन पेरेंट्स हैं, तो उनको किसी और बर्ड का ये नहीं चाहिए, एक बर्ड आराम से हमारे साथ बहुत खुशी से रह जाता है। और यहाँ पर और भी छोटे बर्ड्स भी हैं जो हैंड फीडिंग में है, वो पाइनएप्पल जो देखे ये बच्चा है, तो हम 10 दिन पहले लेकर आए, उस टाइम से खाना खिला रहे हैं, अभी टेम कर रहे हैं। तो अभी ये बड़े होने के बाद ही आप सेल करोगे इसको? हाँ, बड़े होने के बाद, पूरा टेम होने के बाद ही हम सेल करते हैं। और इसमें कॉकटेल्स हैं, ये देखिए कॉकटेल का बच्चा, ये कितने दिन का बच्चा है? ये 25 days to 30 days के आसपास रहेगा। तो बर्ड्स और बेटर फिशेस और इम्पोर्टेड फिशेस सारे आपको चेस्कुन एक्वापेट से मिल जाएंगे, जो बहुत ही हेल्थी और एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और हैमस्टर्स भी हैं, हैमस्टर्स भी वेराइटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। हैमस्टर्स अभी कौन से हैं आपके पास? सीरियन हैमस्टर्स हैं, सारे सीरियन हैमस्टर्स हैं,
अभी सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रात पे आई मीन इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, अभी सीरियन हैमस्टर्स हैं आपके पास पेयर? हाँ, सीरियन हैमस्टर्स हैं। ब्रीडिंग पेयर मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। नॉर्मल पेयर कितने में आता है हैमस्टर्स आपके पास अभी? नॉर्मल पेयर आपको 1200 में पड़ेगा सीरियन, अच्छा सा टेडी पेयर वाले। और यहाँ पर देखिए बडजीज भी हैं, आपको बडजीज मिल जाएंगे और लो बर्ड्स भी हैं, अफ्रीकन लो बर्ड्स हैं सारे। अफ्रीकन लो बर्ड जो नॉन रिंग वैरायटी है आपको 3,500 में है, और रिंग वैरायटीज 4,500 में है। वैरायटी सबसे प्राइस है सर। और बडजीज? बडजीज आपको 700 पेयर में मिलेगा। ये थोड़ा अच्छे साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के आते हैं जो मार्केट में लोग सेल करते हैं वो 550 को 600 को। मैं छोटा साइज नहीं प्रीफर करता हूँ कस्टमर्स को देने के लिए, क्योंकि लव बर्ड थोड़ा डेलिकेट रहते हैं बच्चे साइज़ में, इसलिए अच्छे साइज़ में देते हैं। तो अभी हमने देखा यहाँ पर जितना भी अवेलेबल स्टॉक है हमने कवर किया, बर्ड्स, बर्डीज, पेट्स और फिशेज जितने भी हैं कवर किए। आपको यहाँ पर आपको फिश फूड चाहिए तो मिल जाएगा, ओरिजिनल फिश फूड है या मेडिसिन है, फिल्टर वगैरह जो भी चाहिए आपको मिल जाते हैं, एसेसरीज, फिल्टर रिलेटेड जो भी, एक्वेरियम के रिलेटेड जो भी चाहिए आपको मिल जाते हैं, और आलो रिलेटेड डिलीवर हो जाती है अगर आप फिल्टर चाहिए या फूड चाहिए तो। और न्यू टैंक्स मिलते हैं विद कैबिन विदाउट कैबिन, और बर्ड केजेस भी हैं छोटे से बड़े लेकर, बर्ड केजेस भी मिल जाते हैं, हैमस्टर केजेस मिल जाते हैं। तो और कुछ बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ, जो प्लांटेड टैंक है उनको जो टेट्रास चाहिए वही अभी ज़्यादा वेराइटीज़ का टेट्रास है, तो टेट्रास के लिए आइए, फ़ोन कीजिए। बेटास बहुत कम है, वो भी मिल जाएगा। तो कॉर्नियोस है, हैंड टेम्ड बर्ड्स है, तो कॉल कीजिए, कुछ भी चाहिए तो स्टोर विज़िट कीजिए, एक बार देखिए। बहुत खुशी होता है आपको ये सब दिखाने में। जो सैयद भाई कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल का काम है। आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो मुंबई जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, ये क्या बोलेंगे, ये इतना आसान नहीं है। इस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, इस टाइम पर भी, कोविड टाइम पर भी आपके लिए सैयद भाई पूरा घूम के वीडियोज़ कर रहे हैं। उसके लिए जितना अप्रिशिएट करेंगे तो भी, ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो भी, कितना भी करें बहुत कम है अप्रिशिएट। तो सैयद भाई, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्वालिटी फिशेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा आप जो भी पैसा दे रहे हैं इनको उसके बदले में आपको वर्थ मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं लो क्वालिटी फूड फिशेज को कंपेयर करते हैं, इनके पास जो भी मिलता है पूरा क्वालिटी मिलते हैं। अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। जो भी आप पैसा दे रहे हैं उससे जो प्रॉपर का होना चाहिए वर्थ आपको मिल रहा है। तो इसलिए आप क्वालिटी, अगर फिशेस चाहिए क्वालिटी तो आप चेस्क्विन एक्वापेट्स में ले सकते हैं। मैं पहले से ही लोगों को प्रेफर करता हूँ, अगर क्वालिटी बेटास, क्वालिटी फ्लोहन और क्वालिटी फिशेस आपको चाहिए तो चेस्क्विन को ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो आप यहाँ पर अगर बैंगलोर में हैं तो विजिट कर सकते हैं, आउट ऑफ बैंगलोर हैं तो कॉल करके जो भी डिटेल्स हैं आप ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में या ख़रीदने के बारे में, तो नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अगर विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दिया है, एड्रेस भी ऐड कर दिया है, स्क्रीन पर भी एड्रेस आ रहा है, तो वहाँ पर आप विजिट करके आकर ले जा सकते हैं। और एक बात सर, आप क्वालिटी के बारे में बात किया तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल, एक पैरट फिश आपको 13-15 ईयर्स तक ज़िंदा रहेगा। गोल्ड फिश, ज़्यादा लोग सबको गोल्ड फिश तो पता ही है, गोल्ड फिश का लाइफ स्पैन है 20 ईयर्स। समझिए 10-20 रुपए में आप क्वालिटी को मिस कर रहे हो। अभी नॉर्मल लोकल बी ग्रेड सी ग्रेड पैरट्स आपको क्या 650 में मिल रहा है, क्वालिटी पैरट आपके किस क्या प्राइस में मिल रहा है, 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। आप ये प्राइस आपका नहीं देखो, 13 ईयर्स 15 ईयर्स का उसमें कंपैरिजन करो, इतने साल एक मछली आपके साथ रहेगा तो उसका कैसा क्वालिटी का चाहिए आप ही डिसाइड कर लो। क्वालिटी के ऊपर मोर्टालिटी और इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है इसका, ये तो डिपेंड होता है। इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसकी मोर्टालिटी और इम्यून का भी सिस्टम अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर एक नए टॉपिक से मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा। थैंक यू सर।